तो आज हम शुरू करते हैं, आज हम शुरू करेंगे ड्रॉट, पेज नंबर 126 पर। देखिए, ड्रॉट माने सूखा, फ्लड पढ़ा था हमने, फ्लड माने होता है बहुत ज्यादा पानी यानी कि बारिश, और आज हम पढ़ेंगे सूखा, ड्रॉट। When there is no rain for a prolonged period, rivers, lakes and reservoirs dry up, resulting in a drought. अगर बहुत समय तक, prolonged मतलब बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक अगर रेन नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, तो क्या होता है वहां पर? रिवर्स, लेक्स वगैरह जो भी हैं, ये क्या हो जाती हैं? ये सूखने लग जाती हैं, और इससे क्या होता है? इससे ड्रॉट यानी कि सूखा हो जाता है। और सूखे में देखिए, इस तरह से देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े क्रैक्स बन गए हैं, ये सोइल में क्रैक्स बन गए हैं। अब ऐसी सोइल में अगर हम क्रॉपिंग करना चाहें, फसल बोना चाहें, तो फसल बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये सोइल की फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो इससे क्या होगा? एक तो हमारी सोइल नहीं होगी, जमीन नॉन फर्टाइल हो जाएगी, पूरी सोइल नॉन फर्टाइल हो जाएगी, और उसके असर से जो हमारी क्रॉपिंग है वो कम होगी, और क्रॉपिंग नहीं होगी या कम होगी तो खाने की, फूड की कमी हो जाएगी। तो देखते हैं आगे, इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट के क्या इफेक्ट्स होते हैं। द लैंड बिकम ड्राई एंड एयर्ड ड्यू टू विच क्रॉप्स आर डैमेज्ड। जो लैंड है वो ड्राई हो जाती है और ऐसी एरिड हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, उससे क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाती है, रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ फूड और ए फेमाइन। इससे क्या होता है? फूड की और फेमाइन की शॉर्टेज हो जाती है, ना तो वहाँ पर ज़्यादा जो कैटल्स हैं, पशु हैं, वो ज़्यादा जीवित रह पाएंगे, क्योंकि उनको चारा नहीं मिलेगा, उनको खाने को नहीं मिलेगा, और हम लोगों के लिए भी फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। Many poor people go without food as they cannot afford the food grains. और जो गरीब लोग हैं वो बहुत लंबे समय तक फूड के बिना रहते हैं, या फिर वो उस स्थान छोड़कर ही वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि वो फूड ग्रेन्स को खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो गरीब होते हैं वैसे ही। अब अगर यहाँ पर फूड की शॉर्टेज है तो फूड के जो दाम हैं, रेट्स हैं, वो बढ़ जाएंगे और वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो या तो उनको स्थान छोड़ना पड़ेगा या बेचारे भूख के मारे मरेंगे। That become expensive later, क्योंकि फूड ग्रेन्स धीरे धीरे महंगे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का सूखा आ गया है। Animal also die as they not get no fodder. Fodder यानी कि चारा, जो हम ग्रीन या सूखा चारा डालते हैं ना पशुओं को, उसको फोडर कहते हैं। तो एनिमल्स को फोडर नहीं मिलेगा, इसलिए वो भी डाई होने लग जाएंगे। अब है रेस्क्यू एंड रिलीफ, अगर इस तरह की कोई स्थिति आ जाती है, ड्रॉट वगैरह, तो किस तरह से हमें रेस्क्यू और रिलीफ की चीजें अपनानी चाहिए, यानी कि किस तरह से हम अपने कैटल्स को, अपने आप को और अपनी क्रॉप को सुरक्षित रखें। और जो लोगों के पास नहीं है पैसा, जो ग्रेन्स नहीं ले सकते हैं, उनको किस तरह से सहायता, रिलीफ पहुंचाएं। रिहैबिटेशन, प्रोवाइडिंग शेल्टर, क्लोथिंग, जॉब एंड रीबिल्डिंग डिस्टर्बेड लाइव्स। तो जहाँ पर हमें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पे रिहैबिटेशन करना चाहिए। रिहैबिटेशन का मतलब है वहाँ पर नए ऐसे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जिससे कि लोगों को शेल्टर, रहने का स्थान मिल सके, यानी कि कम पैसों में या अपनी तरफ से, मतलब अपनी तरफ से एक तरह से हेल्प करते हुए उनको शेल्टर उपलब्ध करवाएं, उनको कपड़े उपलब्ध करवाएं, उनके लिए छोटे मोटे जॉब उपलब्ध कराएं जिससे कि वो खुद भी अर्न कर सकें, उनके लिए जो भी चीज़ें उनको उपलब्ध नहीं हो रही हैं, जो चीज़ें उनकी ख़राब हो गई हैं, उनको दोबारा से
रिकंस्ट्रक्ट कराकर भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। सप्लाइंग इमीडिएट रिलीफ, तो किस तरह से इमीडिएट यानी कि तुरंत कैसे सहायता करनी चाहिए उनकी, इन द फॉर्म ऑफ फूड, जैसे कोई भूखा है और भूखे व्यक्ति को आप क्लोथ दो तो वो क्या कहेगा, मेरे को भूख लग रही है मुझे कपड़े नहीं रोटी दो। तो ये इमीडिएट रिलीफ में आ जाता है कि किसी व्यक्ति को तुरंत रूप से क्या सहायता दें, सबसे पहले उसको फूड चाहिए होता है तो उसको खाना उपलब्ध कराएं, फिर उसको सोने के लिए जगह चाहिए उसके लिए बाद में उसको शेल्टर उपलब्ध कराएं, छोटा मोटा घर उपलब्ध करवाएं, क्लोथिंग फिर उसको कपड़े उपलब्ध कराएं, पीने के लिए पानी उपलब्ध कराएं, अगर वो बीमार है व्यक्ति उसके परिवार में कोई बीमार है तो उसको मेडिकल सर्विस उपलब्ध कराएं। तो ये इमीडिएट रिलीफ में आता है। ड्यूरिंग एमरजेंसी गवर्नमेंट एजेंसी एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी जिनको एनजीओ कहते हैं एंड कमिटीज कम टुगेदर टू हेल्प द अफेक्टेड पीपल। तो इस तरह की कोई इमरजेंसी अगर होती है जैसे अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, फ्लड या ड्रोट है, तो उस समय क्या होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं जो कि सरकार के द्वारा संचालित होती हैं वो भी, और एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं जिनको अतिरिक्त रूप से सहायता मिलती है, कुछ अपना वो चंदा इकट्ठा करते हैं, वो ऐसी नॉन गवर्नमेंट एजेंसी जैसी होती हैं जो कि चंदा इकट्ठा करके कुछ गवर्नमेंट से सहायता लेकर क्या करती हैं, पब्लिक हेल्प के लिए कार्यक्रम चलाती हैं, उनको एनजीओ कहते हैं। तो गवर्नमेंट एजेंसी, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी और कुछ ऐसी समितियां भी होती हैं जैसे कि ब्राह्मण समाज की है, वैश्य समाज की है, पंजाबी समाज की, ऐसी बनी हुई समितियाँ कमिटीज भी होती हैं। ये सारी मिलकर इस तरह के अफेक्टेड एरियाज में अफेक्टेड पीपल की हेल्प करने के लिए एक साथ काम करने लग जाते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी। रिलीफ वर्क एंड ब्लड डोनेशन कैंप्स आर ऑर्गेनाइज्ड। और जैसा हमें पता है कि ब्लड फ्लड है, ड्रोट है, साइक्लोन है, ऐसे समय में विभिन्न प्रकार की एपिडेमिक्स यानी कि महामारियां भी फैलने लग जाती हैं, तो उन दिनों में ब्लड डोनेशन कैंप और दूसरे जो मेडिकल कैंप होते हैं वो भी चलाए जाते हैं। द पुलिस हेल्प टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर टू प्रिवेंट लूटिंग। मतलब जैसे कोई भी आपके गरीब व्यक्ति है, जब उसको खाने को नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो चोरी करके या फिर लोगों को लूट के कुछ पैसे अर्न करना चाहेगा जिससे कि वो अपने और अपनी फैमिली का आगे सर्वाइव के लिए फूड वगैरह उपलब्ध करा सके। तो ऐसे केसेस में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस भी सहायता करती है कि इस तरह के केस ना हो, जो लोगों के पास खाना वगैरह उपलब्ध नहीं है उनको खाना पहुंचाया जाए, लेकिन ये जो लूटिंग और ये जो चोरी डकैती जैसी समस्याएं हैं ये समाज में उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए पुलिस भी एमरजेंसीज में हेल्प करती है। द आर्म्ड फोर्स आर कॉल्ड टू असिस्ट इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्ड टेम्पररी शेल्टर, ब्रिज एसेट्रा। तो जो हमारी आर्मी होती है, आर्म फोर्सेज होती हैं, उनको भी बुलाया जाता है, उनको भी कहा जाता है अगर इस तरह की कोई भी एमरजेंसी होती है जिसमें ज़्यादा लोगों की जरूरत होती है, पुलिस और सामान्य लोगों से कार्य नहीं हो रहा होता है, तो इस तरह से आर्मी के लोग हेल्प करते हैं। वो हेल्प करके टेम्प्रेरी शेल्टर्स बनाते हैं जहाँ पे लोगों को रखा जा सके, ब्रिज बनाते हैं अगर फ्लड आ रहा है तो फ्लड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर लोगों को ले जाना है तो इस तरह के टेम्प्रेरी ब्रिज बनाना या लोगों को ले जाने में हेल्प करना, इस तरह के काम के लिए आर्मी वालों को भी कहा जाता है। द यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, अरे लाइट जला, द यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम UNDMT वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एंड नेशनल कैडेट क्रॉप्स एनसीसी आर सम ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड हेल्प टू पीपल इन टाइम ऑफ एमरजेंसीज। तो ये कुछ सरकारी संस्थाएं हैं जो कि टाइम ऑफ एमरजेंसीज में लोगों की सहायता करती हैं। तो आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे द यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है UNDMT, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एंड नेशनल कैडेट क्रॉप जिसको कहते हैं NCC, और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को कहते हैं IRCS, जिसका रेड कलर का साइन होता है जो कि मेडिकल की यूनिफॉर्म पे बना हुआ होता है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टाइम ऑफ एमरजेंसीज में लोगों की सहायता करते हैं। अब फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में क्या होता है? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू ए विक्टिम बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड्स अराइव्स। फर्स्ट एड वो होता है जैसे कि हमें कहीं चोट लगी है, जब तक हम हॉस्पिटल ना पहुंच सके, जब तक हमारे लिए कोई डॉक्टर उपलब्ध ना हो सके, तो हम घर पे कोई छोटा मोटा उपचार करें, उसको कहते हैं फर्स्ट एड। जैसे आपकी कहीं पे लगी है, तो आपके घर में कोई ऑइंटमेंट रखी है, तो सबसे पहले उसको लगाया जाएगा, डिटोल वगैरह से उस चोट को पोछा जाएगा, या फिर क्या किया जाएगा, या फिर आपको हल्दी वाला लेप लगाया जाएगा। तो ये फर्स्ट एड में आता है। तो फर्स्ट एड यानी कि मेडिकल टीम के पहुंचने से पहले, या हम किसी मेडिकल सेंटर पे पहुंचे उससे पहले हम जो छोटा मोटा ट्रीटमेंट करते हैं उसको फर्स्ट एड कहते हैं। वी शुड ऑल नो द बेसिक रूल ऑफ फर्स्ट एड सो दैट वी कैन डील विद एमरजेंसीज। हमको फर्स्ट एड के जो बेसिक रूल्स हैं वो पता होने चाहिए, जिससे कि हम इन एमरजेंसीज से डील कर सके, इन एमरजेंसीज में अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रख सके। तो ये देखिए, ये एक बहुत अच्छी चीज है। ऑलवेज कीप ए फर्स्ट एड किट हैंडी। फर्स्ट एड किट को हमें बना के इस तरह से रखना चाहिए कि हमारे वो हम उसको अंधेरे में भी ढूंढ सके, इस तरह के बिल्कुल उपयुक्त स्थान पर जहाँ पे कि आप आराम से पहुंच सके, कंफर्टेबली उसको ले सकें, उठा सकें, ऐसे स्थान पर उसको रखना चाहिए। यूज एन ओल्ड बॉक्स, एक पुराना बॉक्स लीजिए, कवर इट विद ए वाइट पेपर, इसको अच्छे से वाइट पेपर से कवर कर लीजिए, मेक ए रेड क्रॉस ऑन इट, इस पे एक रेड क्रॉस बना लीजिए जिससे कि पता चले कि ये फर्स्ट एड बॉक्स है। पुट द फॉलोइंग आइटम्स इन इट, इसमें क्या क्या आपको रखना है, कॉटन बैंड, कॉटन रखनी है, बैंडेज रखनी है, कहीं पे आपका कट जाता है तो आप बैंडेज लगा सकते हैं, कॉटन आपके पास है तो आप कोई ऑइंटमेंट जैसे कि डिटोल वगैरह यूज कर सकते हैं, सेफ्टी पिन रख सकते हैं आप इसमें, स्मॉल सीजर, छोटी सी कैंची रख सकते हैं, डिस्पोजेबल ग्लव्स, जैसे कि आजकल यूज हो रहे हैं कोरोना टाइम में, ऐसे ग्लव्स का एक पेयर रख सकते हैं, ORS पैकेट, ORS यानी कि आपके जब डायरिया होता है, गर्मियों में उल्टी दस्त वगैरह की समस्या होती है, तो आपको ORS मिलता है हॉस्पिटल से, तो उसका पैकेट आप रख सकते हैं, बर्नोल, अगर कहीं पे बर्न हो जाए तो उस पे लगाने वाला ऑइंटमेंट आप रख सकते हैं, थर्मामीटर रख सकते हैं जिससे कि टेम्परेचर नोट किया जा सके, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे कि सेवलोन है, डेटोल है, ऐसा कोई सॉल्यूशन रख सकते हैं, और पेन रिलीवर्स यानी कि कोई ऐसी दवाई जिससे कि छोटा मोटा दर्द दूर हो सके, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे कोई ऑइंटमेंट लगाने की दवाई हो, ऐसी चीज भी आप इस फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। अब ये देखिए, इन केस ऑफ एमरजेंसीज स्टे काम एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। आपको शांत रहना है और अपनी भी देखभाल साथ में सही रखनी है। डू नॉट पैनिक, आपको एकदम से उत्तेजित नहीं होना है कि आप
एकदम परेशान होकर कोई काम करें, जल्दी जल्दी में खुद को ही चोट पहुंचा लें। एंड हेल्प पीपल अराउंड यू, और आपको शांत रहते हुए अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी है। लुक फॉर एन एल्डर इन केस यू नीड हेल्प, अगर आपको स्वयं के लिए कोई हेल्प चाहिए तो आपको किसी एल्डर व्यक्ति को देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए। वी ऑल शुड बिहेव एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें एक रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक की तरह बिहेव व्यवहार करना चाहिए। एंड कम टुगेदर टू डू आवर बिट, और हमसे जितना हो सके हमें वो काम करना चाहिए। वैन ए डिसास्टर अकर, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई है, कोई इमरजेंसी आई है, तो हमसे जितना भी हो सके वो काम हमें अच्छा वाला करना चाहिए। अब इसमें करेक्ट ऑप्शंस देखने हैं। फ्लड अकर ड्यू टू हैवी या नो रेनफॉल, यस इट्स हैवी। इफ ए माइन यूजुअली अकर आफ्टर ए ड्रॉट या अर्थक्वेक, ड्रॉट, वेरी गुड। द पुलिस हेल्प टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर या डिस्ट्रीब्यूट फूड, नो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जैसे कोई लूट वगैरह की घटना ना हो। इन केस ऑफ इमरजेंसी वी शुड पैनिक या स्टे कॉम, नो, स्टे काम मतलब शांत रहना चाहिए। पैनिक मतलब गुस्सा करो, एक दूसरे पे झल्लाट निकालो, वो काम नहीं करने चाहिए, हमें शांत रह के काम करना है। ये देखिए, द ग्रीन आर, डिसास्टर दैट अकर ड्यू टू नेचुरल रीजंस आर कॉल्ड नेचुरल डिसास्टर्स, ऐसे प्राकृतिक घटनाएं जो कि प्राकृतिक कारणों से होती हैं, नेचुरल रीजन से होती हैं, उनको नेचुरल डिसास्टर और कैलामिटीज कहते हैं। वी शुड बी प्रिपेयर्ड एज दे कैन अकर एनी टाइम, हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि ऐसी घटनाएं किसी भी टाइम हो सकती हैं। नेचुरल डिसास्टर्स इंक्लूड अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, ड्रॉट एसेट्रा। तो नेचुरल डिसास्टर में कौन सी घटनाएं आती हैं, अर्थक्वेक आता है, भूकंप, फ्लड बाढ़ आती है, सुनामी तेज गति वाला तूफान आता है, और ड्रॉट यानी कि सूखा आता है। द विक्टिम्स अफेक्टेड बाय डिसास्टर शुड बी प्रोवाइडेड विद इमीडिएट हेल्प एंड रिलीफ, विक्टम यानी कि जो इससे प्रभावित हुआ है, जिसके ऊपर ये सारी घटना घटित हुई है, ऐसे जो लोग होते हैं उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए होती है, वो उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए, उनको सहायता सुरक्षा प्रदान करी जानी चाहिए सरकार और बाकी लोगों के द्वारा। पीपल इन ए कम्युनिटी शुड हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ डिसास्टर, अगर ऐसी कोई डिसास्टर हुआ हो तो कम्युनिटी में भी, समाज में भी लोगों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अभी देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पांच वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। ये वर्ड मीनिंग आपको आपकी होमवर्क कॉपी में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करने हैं। ये आज का होमवर्क है आपका, ठीक है, ओके।